पंजाब की खबर का रुख करते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि कभी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दहाड़ दिल्ली के तख्त को हिला देती थी, लेकिन अब जो है स्थितियां काफी बदल गई हैं और आज एसजीपीसी काफी कमजोर हो चुकी है। यही कारण है कि जब बंदी सिंहों की रिहाई के लिए कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनकी कोठी के बाहर मांग पत्र देने पहुंचा तो उन्होंने मिलना तक जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपील की थी कि अपने गुरुद्वारों की प्राइम लोकेशनों पर बंदी सिंहों की रिहाई के बड़े बड़े तस्वीरों के साथ बोर्ड लगाए जाएं, ताकि गुरुद्वारों में आने वाली संगत उन्हें देखे और उन्हें भी जानकारी मिल सके कि सिखों के साथ मौजूदा साम्राज्य में धक्केशाही किस तरह से हो रही है। उनकी इस अपील का अब असर नजर आ रहा है। संगरूर और मानसा में गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर रिहाई के लिए बैनर लगाए गए हैं। जथेदार अकाल तख्त साहिब वालों जो हुक्म जारी हुए ने कि सारे भारत के गुरद्वारों के फ्लैक्सा लाइया जा बंदी सिंह की रिहाई दे लोकल गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने हुक्म अनुसार फ्लैक्सा लाइया जा रही हैं। तो भारत सरकार राष्ट्रपति असी मानसा शहर जिले वालों बेनती करते हाँ कि जे जिहड़े सिंघां दी बहुत ही देर तो जेलां विच बैठे हन उन्हां दी रिहाई की जाए। अज जो आपां नूं सारी कौम पता भी जिहड़े बंदी सिंह आ उह 25-25-30 साल सारी उम्र जिहड़े भी जेलां दे विच बंद ने उन्हां दी रिहाई लई साडे समुच्चे अकाल तख्त साहिब दे जथेदार वल्लों हुक्म होए आ भी तुसीं जिहड़े अपने गुरद्वारे साहिब ने उन्हां दे विच फलैक्शन ला के आने वाली पीढ़ी नूं ते अपनी संगत को पता लगे भी जिहड़े ये बंदी सिंह ने उन्हां दी रिहाई लई उन्हां दे हुक्मां अनुसार असीं जिहड़ियां फलैक्सां गुरु घरां दे विच ला रहे हैं। तो असीं सिख कौम नूं आने वाले जनरेशन नूं साडे नौजवानों नूं भी असीं जागरूक कर रहे हैं भी इन्हां लई जागरूकता होण, सारे धड़ाबंदियां तो उठ के सिख कौम एक झंडे थले इकट्ठी होवे तां कि साडे जिहड़े बंदी सिंह ने उह रिहा कराए जाण। तो सेंटर नूं इस गल दा अहसास कराउण वास्ते असीं गुरु घर फलैक्सा ला रहे हैं। और मानसा से हमारे संवाददाता भीष्म गोयल इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भीष्म, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपील की थी कि गुरुद्वारों के बाहर बोर्ड के साथ साथ तस्वीरें लगाई जाएं बंदियों की रिहाई के लिए, उस अपील का अब असर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उन्होंने अपील की थी कि सभी गुरुद्वारा साहिब में जो है ये पोस्टर लगवाए जाएं ताकि जो बंदी सिंह हैं उनकी रिहाई के लिए लोगों को एकजुट किया जा सके, क्योंकि बंदी सिंह जो हैं वो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन पिछले काफी लंबे समय से जो जेलों में बंद हैं और उसी को लेकर ही जो अपील की गई है और उसी के तहत जो आज मानसा में गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं। बिल्कुल, और जैसा कि उन्होंने लक्ष्य रखा था या उनका मकसद ये था कि जो भी संगत आएगी गुरुद्वारे में वो इन्हें देखेगी पोस्टर्स को और फिर पूरी कौम इकट्ठी होगी, इस तरीके से कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का क्या कहना है? ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जो अपील की थी उस पर स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? भीष्म जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना है कि जो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान है या स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो ये पहल है अच्छी पहल है और इससे कुछ ना कुछ जो है बंदी सिंहों की रिहाई में मदद जरूर मिलेगी। चलिए शुक्रिया भीष्म, हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि कभी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दहाड़ से दिल्ली का तख्त हिल जाता था, लेकिन आज वह काफी कमजोर हो चुकी है। तो ऐसे में अब बेहद जरूरी है कि सब इकट्ठा होकर बंदी सिंहों की रिहाई के बड़े बड़े बोर्ड तस्वीरों के साथ लगाएं।